हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जैसे कि आप जानते हैं, हम इंडियन रेलवेज के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करें सब्जेक्ट वाइज। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। विटामिन डी की कमी से क्या होता है या डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेस? तो ये रिकेट्स होता है, ठीक है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, ये बोन्स रिलेटेड डिजीज है, ये याद रखना है आपको। बेरी बेरी जो है विटामिन B1 की कमी से होता है, थायमाइन की कमी से होता है, क्वाशियोर्कर जो होता है ये प्रोटीन की कमी से होता है, छोटे बच्चों में होता है, ठीक है, प्रोटीन की कमी से होता है। और स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो अरिस्टोटल को माना जाता है, अरस्तु को जो है जीव विज्ञान का जनक या फिर फादर ऑफ बायोलॉजी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉट इज़ द नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट बोन फाउंड इन द थाई ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ह्यूमन बॉडी के थाई में जो बोन पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो फेमूर कहते हैं, ठीक है। आपने अगर प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो एक ही फेमूर के ऊपर कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए, किस किस एंगल में पूछे गए, आपको पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉर्निवोरस प्लांट, ठीक है। मांसाहारी पौधा कौन सा है? कॉर्निवोरस प्लांट जो है, देखते हैं ऑप्शंस, देखते हैं सैंडवी, वीनस फ्लाई ट्रैप, पिचर प्लांट, ऑल ऑफ द ऑप्शंस। तो इसका सही आंसर है डी, ऑल ऑफ द ऑप्शन, ये सारे के सारे मांसाहारी प्लांट है, मांसाहारी पौधे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, खच्चर डैश के संकरण से उत्पन्न एक संकर प्रजाति है, ठीक है। म्यूल इज अ हाइब्रिड डिराइव्ड बाय क्रॉसिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझे बहुत ही ज़्यादा ऐसे मतलब लगा कि हाँ, इसका लेवल है RRB JEE जूनियर इंजीनियर को पूछा जा सकता है, इस तरह से ये लेवल थोड़ा सा अप रखा था JEE ने। देखिए, सबको पता है कि खच्चर जो है हॉर्स एंड डोंकी की क्रॉसिंग से बनता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बच्चों ने क्या किया, ऑप्शन बी लगा क्या है, वो गलत था, ठीक है। इसका सही आंसर है मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स से जो है म्यूल बनता है या फिर क्या खच्चर बनता है। और एक बात, खच्चर जो होता है वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, ये भी याद रखना है आपको, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, ये याद रखना है, ठीक है। तो मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स, याद रखिए। नेक्स्ट, ओके, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ DNA मॉलिक्यूल्स वॉज प्रपोज बाय, ठीक है। जो DNA होता है वो डबल हेलिकल होता है, ये किसने बताया था? ये वॉटसन एंड क्रिक ने बताया था, ठीक है। वॉटसन एंड क्रिक साइंटिस्ट ने बताया था, ये देखिए, ये जो है ये हमारा DNA होता है इस तरह से, ये डबल हेलिकल होता है, ये फर्स्ट स्ट्रैंड, ये डबल हेलिकल होता है, ठीक है। इस तरह से याद रखिए, ACGT ACT, तो ये क्या है, ये जीन्स है, ठीक है। मैं आपको जीन सिक्वेंसिंग भी यही इसी क्वेश्चन में बता देती हूँ, ठीक है। ए, ठीक है, ATGC, ठीक है। एडनाइन, थायमाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन, तो एडनाइन हमेशा थायमाइन के साथ जाएगा, थायमिन के साथ जाएगा, ठीक है। ये डबल बॉन्ड होता है, अब थायमाइन है इसका मतलब क्या है, ये एडनाइन के साथ जाएगा, गुआनाइन जो है साइटोसाइन के साथ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड में, और साइटोसाइन है इसका मतलब क्या है, ये गुआनाइन के साथ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड में, इस तरह से देखिए, ए के साथ टी, सी के साथ जी, जी के साथ सी, इस तरह से याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, एस्टिमैटिज्म, ठीक है, एस्टिमैटिज्म इज़ अ डिजीज विच अफेक्ट्स, तो ये आई रिलेटेड डिजीज़ है। इसमें होता क्या है, जो आई शेप होता है कॉर्निया का थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इससे यूँ होता है कि अगर आप लाइट वगैरह, लाइट बहुत ज़्यादा लाइट में चले गए, धूप में चले गए, या फिर रात के समय लाइट अगर देखने लगे तो आपको अच्छे से विजन नहीं आता है, ब्लर विजन आता है। तो इसे रोकने के लिए एक तो आप ग्लासेस पहन सकते हैं, वियर ग्लासेस, या फिर कॉन्टैक्ट लेंसेस पहन सकते हैं, या फिर सर्जरी करा सकते हैं, रिफ्रैक्टिव सर्जरी भी करा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स प्रिपेयर्स एन एनिमल फॉर फाइट, ठीक है। कौन सी ग्रंथि है जो जंतु को जो है फाइट करने के लिए या फ्लाइट, सॉरी फॉर फ्लाइट, उड़ने के लिए काबिल बनाती है? तो ये एड्रेनल जो है अधिवृक्क जो है उड़ने के लिए काबिल बनाती है। और एक बात बता दूँ, ये जो एड्रेनल होता है ये किडनी के, जो हम ह्यूमन बींग की किडनी के ऊपर होता है, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है ह्यूमन बींग में या फिर किसी भी जानवर में? इसका काम ये होता है कि सपोज कोई
एक्सीडेंटल चीज आ गई, जैसे आप गाड़ी चला रहे हो और अचानक से आपके गाड़ी के सामने कोई डॉग आ गया, ठीक है, तो आप ब्लैकआउट हो जाते हो, आपको समझ नहीं आता आपको करना क्या चाहिए। लेकिन जो एड्रेनल होता है ये एक जो है एंजाइम सीक्रेट करता है और फिर माइंड को इस तरह से ऑर्डर जाता है कि आपको ब्रेक जो है वो पुश करना है, ब्रेक का पेडल पुश करना है, ठीक है। तो इस तरह से वर्क होता है एड्रेनल का, ठीक है, ये याद रखना। मतलब बायोलॉजी अपने आप में ही इतना अच्छा सब्जेक्ट है, अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आप आधे डॉक्टर तो बन जाओगे, इंजीनियर तो हो ही, डॉक्टर तो बन ही जाओगे इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, वन शुड नॉट स्लीप अंडर द ट्री एट नाइट बिकॉज, ठीक है, रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि उससे क्या होता है, क्योंकि जो है पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। आपने अगर प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसके बारे में, क्या होता है कि आप कार्बन डाइऑक्साइड का अगर आप इंटेक करोगे तो हीमोग्लोबिन वो कार्बन डाइऑक्साइड स्टिक करेगा। हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ट फ्रेंड होते हैं, वो एक दूसरे को छोड़ते ही नहीं है, तो पूरे बॉडी में वो कार्बन डाइऑक्साइड घुमा कर लेके आएगा हीमोग्लोबिन, और फिर आपको सफोकेशन फील होगा, आपको हेलुसिनेशन फील होगा, आपको लगेगा कि कुछ आंखों के सामने से आ रहा है सफ़ेद सफ़ेद एंड ऑल दैट, इस तरह से। इसलिए कहते हैं कि रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन द स्टिंगिंग नीडल्स, ठीक है, बिच्छू भट्टी के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो वो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड और कहाँ होता है पता है कि आपको, ये एंट में पाया जाता है, मुंगियों में पाया जाता है ये, ठीक है, एंट्स में पाया जाता है, और ये जो पूछी क्या है, ये जो पेड़ है, ये स्टिंगिंग नीडल्स का पेड़ है, अगर आप गलती से भी इसके पास चले जाओ आपकी स्किन को अगर लग जाएगा तो कट होगा और एक तरह से कट वगैरह हो जाएगा और क्या कहते हो मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओके, द एरिया ऑफ रेटिना वेयर द विजन इज हाईएस्ट, ठीक है, विजन इज हाईएस्ट, तो इसका आंसर है फोविया या फिर गर्तिका, ठीक है। ये रेटिना रेटिना है, सपोज ये रेटिना, तो यहाँ पे फोविया होता है रेटिना, तो ये एक्चुअली क्या होता है, जो ब्राइट लाइट आती है ना, ब्राइट लाइट, ये इसमें हेल्प करता है फोविया, ठीक है। कॉन्स होते हैं यहाँ पे, सारे कॉन्स होते हैं, ये भी याद रखना है आपको। कॉन्स मतलब शंकु, शंकु जो ब्राइट लाइट कलर विजन में हमें हेल्प करते हैं, ठीक है। रॉड्स क्या होते हैं, रॉड्स जो हमें डिम लाइट में हेल्प करते हैं, डिम लाइट में देखने के लिए हेल्प करते हैं, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओके, यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, एंड यस प्लीज कीप रिवाइजिंग, थैंक यू।